बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे दिशा निर्देश में बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रतिदिन 9:30 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होगी। इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक चलेगी। सभी केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी केंद्र को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र केंद्र में खोलते समय वीडियोग्राफी कराई जाए। दंडाधिकारी के समक्ष ही प्रश्न पत्र का सील खोला जाएगा। परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र वितरित करने के बाद बचे प्रश्न पत्र बोर्ड को भी भेज दिए जाएंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिया है कि परीक्षा के दौरान केवल मुख्य द्वार ही खुले रहेंगे, बाकी सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतिदिन वीक्षकों को घोषणा पत्र भरना होगा कि किसी भी परीक्षार्थी के पास कोई चीट पुर्जा या मोबाइल नहीं है। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा से एक दिन पहले तक वीक्षक अपने परीक्षा केंद्र पर योगदान देंगे। केंद्राधीक्षक सभी वीक्षकों के साथ परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले बैठक करेंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि हर परीक्षा केंद्र पर CCTV लगाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से यह आदेश निर्गत कर दिया है कि परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्राधीक्षक के पास मोबाइल रहेगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा तैनात मोबाइल ऐप संचालक के पास मोबाइल की सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी वीक्षक के पास मोबाइल मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड ने यह कदम ठंड को देखते हुए उठाया है। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगा। परीक्षा केंद्र के दायरे में कोई अनाधिकृत व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। बहरहाल इंटर परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बिहार बोर्ड ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है और यह भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको परीक्षा देना होगा, कितने समय से आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना होगा और किस प्रकार आपको तैयारी करके आनी होगी। अब ऐसे में देखना यह होता है कि क्या बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा इस बार कदाचार मुक्त हो पाती है, क्योंकि सालों से हम और आप लगातार देखते आ रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा लगातार हर साल सवालों के घेरे में रही है, कभी किसी बात को लेकर तो कभी कदाचार को लेकर। अब ऐसे में इस बार भी देखना होगा कि सरकार जो दावा कर रही है, जो विभाग के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार परीक्षा कोई भी गड़बड़ी नहीं होने के साथ ली जाएगी, तो ऐसे में कितनी सच्चाई है। क्या बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा इस बार कदाचार मुक्त तरीके से कराई जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल छात्रों के लिए ये जरूरी खबर जान लेना आवश्यक था। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।